हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। विश यू अ वेरी हैप्पी गांधी जयंती टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू सेड सेल हिंदी हाई स्कूल ऑफ होम लर्निंग क्लास। आई एम अंकिता मौर्य। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सब्जेक्ट इंग्लिश स्टैंडर्ड 10 चैप्टर 8 आवर फेदर्ड फ्रेंड्स पार्ट 1। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, वी विल लर्न अबाउट द बॉडी पार्ट्स ऑफ बर्ड्स। फर्स्ट है क्रॉन। दिस इज कॉल्ड क्रॉन। क्रॉन मीन्स हेड, फोर हेड। यू कैन सी दिस इज फोर हेड। दिस पार्ट इज कॉल्ड फोर हेड, मीन्स माथा। बिल, बिल मीन्स चोच। यू कैन सी चिन। चिन मीन्स टू डी। थ्रोट, दिस पार्ट इज कॉल्ड थ्रोट। थ्रोट मीन्स गला। ब्रेस्ट, यू कैन सी दिस इज ब्रेस्ट। मेडियन कवर्स, जो मध्य भाग को ढकने वाला होता है, दैट वी कॉल मेडियन कवर्स। बेली, बेली मीन्स पेट। ईयर कवर्स, कान को ढकने वाला, दैट वी कॉल्ड ईयर कवर्स। नेप, नेप मीन्स गर्दन को, जो गर्दन का जो पार्ट होता है, दैट वी कॉल्ड नेक। ओके विद्यार्थी मित्रों, गॉट इट? यस। गर्दन का जो पार्ट होता है ना, पिछला हिस्सा, दैट वी कॉल्ड नेप। मेंटल, मेंटल मीन्स जो होता है, जो आवरण एक प्रकार का है, ढकने का एक आवरण, दिस इज कॉल्ड मेंटल। स्केपुलर्स, स्केपुलर मीन्स होता है शोल्डर को चारों तरफ से ढकता है जो, दैट वी कॉल्ड स्केपुलर्स। बैक, बैक मीन्स अपने अपने पार्ट में, बैक को कमर बोलते हैं, इसमें जो इसका पिछला पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड बैक। रम, यू कैन सी दिस इज कॉल्ड रम, दिस पार्ट। टेल, टेल मीन्स पूछ। उसके बाद दिस वन। क्लॉ, क्लॉ मीन्स होता है पंजा। यू कैन सी दिस इज कॉल्ड क्लॉ। ओके विद्यार्थी मित्रों, अंडरस्टैंड? यस। दिस इज द हार्ड वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर, यू कैन रीड इट। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर 8 है। चैप्टर 8 का नाम है आवर फेदर्ड फ्रेंड्स। सो वी विल स्टार्ट द स्टोरी। आवर फेदर फ्रेंड्स, हमारे जो पक्षी वाले मित्र हैं, उनकी एक बहुत अच्छी कहानी है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। इट इज़ अ फ्रेश एंड प्लेजेंट मॉर्निंग। यह बहुत ही ताजी और खुशनुमा मॉर्निंग है, सुबह है। बर्ड्स आर चिरपिंग एंड द विंड इज कूल एंड काम। चिड़िया जो है चहचहा रही है, चिरपिंग में चहचहाना, एंड द विंड जो हवा है बहुत ही ठंडी है, एंड काम बहुत शांत है। शुभांगी विथ हर फैमिली इज हैविंग टी एंड ब्रेकफास्ट इन द डियर गार्डन। शुभांगी उसकी फैमिली के साथ गार्डन में चाय और नाश्ता कर रही है। देवांगी शुभांगी सिस्टर। देवांगी जो है शुभांगी की सिस्टर है। मित्रास फ्रेंड, मित्रा की फ्रेंड है। हैज कम टू स्टे फॉर ए कपल ऑफ डे। वो कुछ दिनों के लिए, कपल ऑफ डेज मीन्स होता है कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आए हैं। देवांगी इज ए स्टूडेंट ऑफ सेकंड ईयर जूलॉजी इन MS यूनिवर्सिटी बड़ोदरा। देवांगी जो है वो सेकंड ईयर की छात्रा है जूलॉजी में, प्राणी विज्ञान में। कहाँ से? बड़ोदरा के MS यूनिवर्सिटी में जूलॉजी के वो सेकंड ईयर की छात्रा है देवांगी। ओके। शुभांगी फैसिनेटेड बाई द कॉल ऑफ अ बर्ड एक्सक्लेम्स। शुभांगी जो है फैसिनेटेड मीन्स होता है आकर्षित होती है बाई द बर्ड्स की जो चहचहाने, जो कलरों की एक्सक्लेम्स, जो उसकी आवाज़ है, उससे क्या होती है, आकर्षित होके कहती है, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्पैरो इज। कितना सुंदर स्पैरो है ये। देवांगी प्रॉम्प्टली करेक्ट्स हर। देवांगी जो है तुरंत ही, प्रॉम्प्टली मीन्स होता है तुरंत ही, उसको सही कर कहती है, माय डियर इट इज नॉट स्पैरो, या स्पैरो नहीं है, या गौरैया नहीं है, इट इज अ टेलर बर्ड। सी इट्स कलर इज येलोविश, इट्स कलर इज येलोविश। यू कैन सी येलोविश ग्रीन, एंड इट इज अ स्मॉलर देन स्पैरो। और ये स्पैरो से क्या होती है, छोटी होती है। यू कैन सी ये स्पैरो नहीं है, ये टेलर बर्ड है। दिस इज अ पिक्चर ऑफ टेलर बर्ड। यू कैन सी ये येलोविश ग्रीन है इसका वो कलर जो होता है, और एक गौरैया से छोटा होता है। ओके विद्यार्थी मित्रों, यस। सो शुभांगी से यू आर राइट, हाँ आप सही हो। बट द डे बिफोर यस्टरडे व्हेन आई सॉ इट, बट जब मैंने कल इसको देखा था, इट्स कलर वाज रश, इसका कलर जो बहुत ही हल्का रस्ट मीन्स होता है अच्छा कलर, बहुत मध्यम कलर था, रस्ट कलर था, रस्ट हल्का ग्रे कलर था। देवांगी से लुक, देखो सुबह, दिस वन इज अ मेल एंड दैट रस्ट वाज अ फीमेल। जो वो पिक्चर आपको दिखा है वो मेल है,
और ये जो है ये फीमेल है, रस्ट कलर में जो होती है बर्ड, टेलर बर्ड, उसे फीमेल कहते हैं। ओके विद्यार्थी मित्रों, शुभांगी सेड व्हाई इट्स सो, ऐसा क्यों है? आई हैव ऑब्जर्व द फीमेल इन इन ऑलमोस्ट ऑल द स्पीसीज इज डल इन कंपेरिजन विथ द मेल। मैंने नोटिस किया है, मैंने निरीक्षण किया है कि मेल जो होती है वो मोस्टली उनकी जो अलग अलग प्रजातियाँ होती हैं, स्पेसिफिक प्रजातियाँ होती हैं, वो उनका हल्का कलर होता है मेल की तुलना में। कंपेरिजन में अगर मेल से तुलना की जाए तो जो फीमेल होती हैं, जो मादा बर्ड होती हैं, उनका कलर हल्का होता है, यह मैंने नोटिस किया है। देवांगी से इट्स सीम्स दैट यू हैव कीन इंटरेस्ट इन बर्ड। ऐसा लगता है कि आपको बर्ड्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा रस है। शुभांगी सेज ओ यस दीदी, ओ हाँ दीदी। सी मित्र दीदी इज ऑलवेज बिजी विथ हर प्रोजेक्ट्स, विल यू प्लीज ब्रिंग अ बुक फ्रॉम माई बैग टाइटल बर्ड्स ऑफ इंडिया बाई सलीम अली। सी देखो मित्रा दीदी, देखो मित्रा दीदी ऑलवेज अपने प्रोजेक्ट में, उसके प्रोजेक्ट साथ बहुत ही व्यस्त रहती हैं। क्या आप हमारे लिए मेरे बैग में से बुक्स ला सकती हैं जिसका टाइटल है बर्ड्स ऑफ इंडिया रिटन बाई सलीम अली? तो मित्रा सेज वाई नॉट श्योर, हाँ क्यों नहीं श्योर। पेरेंट्स सेज किड्स इंजॉय योर डिस्कशन, आप बच्चों अपनी चर्चा का इंजॉय करो, आनंद लो, वी हैव टू लीव नाउ, अब हमें चलना होगा। देवांगी सेज लिसन शुभांगी, देर आर ए जंगल बर्ड्स, वाटर बर्ड्स एंड बर्ड दैट लिव नियर ह्यूमन हैबिटेट्स, निवास स्थान हैबिटेट्स में होता है। तो लिसन सुनो शुभांगी, यहाँ पर जंगली बर्ड्स, जो जंगल में रहने वाली बर्ड्स होती है, वाटर बर्ड्स पानी में रहने वाली बर्ड्स होती है, और जो मानव के मनुष्य के आवास के आसपास रहती है, आवास उनके घर के नज़दीक रहती है, वो उस प्रकार के भी बर्ड्स पाई जाती हैं। दिस टेलर बर्ड इज अ बर्ड ऑफ आवर सराउंडिंग, यह जो टेलर बर्ड है वो हमारे आसपास रहने वाली बर्ड्स है, पक्षी हैं। इट स्टिचेस इट्स नेस्ट विथ ग्रीन लीव्स एंड फाइबर्स ऑफ ट्रीज, और वो ये क्या करती है, अपने स्ट्रक्चर में सिलती है अपने नेस्ट को ग्रीन हरी हरी पत्तियों के द्वारा और पेड़ पौधों के रेशों के माध्यम से वो अपने घोंसले को सिलाई करती है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ओके, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड अ टेलर बर्ड, इसलिए इसे टेलर बर्ड, दर्जी वाली चिड़िया कहा जाता है। वाई दिस बर्ड इज कॉल्ड टेलर बर्ड, बिकॉज इट स्टिचेस इट्स नेस्ट विथ ग्रीन लीव्स एंड फाइबर्स ऑफ ट्रीज, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड अ टेलर बर्ड, गॉट इट? यस। शुभांगी सेड दैट्स ग्रेट, बट वाई डू द फीमेल एंड द मेल हैव अ डिफरेंट कलर, वी हैव सेम कलर, बट ऐसा क्यों है कि फीमेल और मेल का अलग अलग कलर होता है, हमारे तो सेम है, हमें तो जो मेल और फीमेल होते हैं सबका एक जैसे ही कलर होता है। देवांगी से ओ चुलबुल, देर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ बर्ड, यहाँ पे मुख्य रूप से दो प्रकार की पक्षियाँ होती है, बर्ड्स ऑफ प्रे, एक शिकारी पक्षी होती है, एंड अ स्मॉल बर्ड, दूसरी जो है स्मॉल बर्ड्स, ओके, छोटी पक्षी जो होती है। बर्ड्स ऑफ प्रे हंट स्मॉल बर्ड्स फॉर फूड, जो शिकारी पक्षी होती है, जो छोटी चिड़ियों का अपने भोजन के लिए शिकार कर लेती है। द फीमेल बर्ड शुड बी डल टू हाइड इट्सेल्फ, जो फीमेल बर्ड्स होती हैं उनको हल्का कलर में होना चाहिए अपने आप को शिकारियों से छुपाने के लिए, फ्रॉम हंटर्स, हंटर्स मीन शिकारी, हाइड मीन्स छुपाना। इट इज ए सपोज टू कंटिन्यू जनरेशन, क्योंकि उन्हें अपने वंश को चलाना होता है, इसके लिए उनका कलर क्या होता है, हल्का कलर में होता है ताकि वो अपने आप को प्रे बर्ड्स जो होती हैं उनसे छिपा सकें। ओके विद्यार्थी मित्रों, शुभांगी सेज वंडरफुल, व्हाट अ डिजाइन ऑफ नेचर, अद्भुत, कितना सुंदर रचना है प्रकृति ने, कितनी सुंदर रचना की है, व्हाट एन डिजाइन ऑफ नेचर। मित्र सेज दिवांगी हियर इज योर बुक, दिवांगी ये रही आपकी बुक जो उसने मांगा था, उस बुक का नाम क्या था, बर्ड्स ऑफ इंडिया वाली जो बुक थी ना वो मांगा था, तो वो अभी मित्र लाके दिवांगी को दे रही, हियर इज योर बुक, ये आपकी बुक है, इट हैज वेरी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट, इसमें बर्ड्स के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी है। देवांगी सेज बर्डिंग इज माई पैसन, मित्रा बोलती है कि पक्षियों के बारे में जानना मेरा पैसन है, मेरा शौक है। मित्रा लुक, मित्रा देखो शुभांगी, हियर इज अ पिक्चर ऑफ ए टेलर बर्ड नेस्ट, शुभांगी देखो, या दिस इज अ पिक्चर ऑफ ए टेलर बर्ड,
और बोलती है कि किताब में दिखा रही है कि ये टेलर बर्ड का घोंसले का चित्र है। शुभांगी से वाओ इट्स कूल, वाओ कितना सुंदर है। देवांगी लेट्स टॉक अबाउट, सॉरी लेट्स टॉक अबाउट अनदर इंटरेस्टिंग बर्ड। चलो अब देवांगी कहती है चलो दूसरे इंटरेस्टिंग बर्ड के बारे में बात करते हैं। लुक दिस इज अ इंडियन ग्रे हॉर्नबिल, देखो ये इंडियन ग्रे हॉर्नबिल है। दिस बर्ड इज कॉमन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये भारत के उपमहाद्वीप में उपखंड में सामान्य रूप से कॉमन है, पाई जाती है। इस प्रकार की पक्षी भारत के उपखंड में पाई जाती है, सामान्य रूप से मिलती है देखने को। इट हैज अ ग्रे फेदर्स ऑल ओवर द बॉडी विथ लाइट ग्रे एंड डल बेली। इनका जो पूरे शरीर के ऊपर कौन सा कलर का फेदर्स होता है, ग्रे कलर का फेदर से इनका पूरा बॉडी पार्ट ढका होता है और उनका जो बेली होता है पेट होता है हल्के ग्रे कलर का होता है। ठीक है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर। ओके, शुभांगी से यू दीदी वेयर डज इट लिव, ये कहाँ रहते हैं। देवांगी से इट्स हैबिटेट इन इज बोथ इन वाइल्ड एज वेल एज अर्बन एरियाज स्पेशली लार्ज ट्रीज, ये इनका निवास स्थान दोनों जगह पर होता है, जैसे वाइल्ड में जंगलों में और साथ ही साथ अर्बन एरिया जो शहरी एरिया होते हैं वहाँ पर भी इस प्रकार की पक्षियाँ रहती हैं। स्पेशली खास करके लार्ज ट्रीज, जो लंबे ट्रीज होते हैं पेड़ पौधे होते हैं उनके ऊपर ये रहती हैं। शुभांगी से इट्स बीक इज क्वाइट स्ट्रेंज इजंट इट, इसकी जो चांच है कुछ विचित्र है नहीं, इजंट इट, नहीं। देवांगी से यस डियर, हाँ डियर, इट्स बीक और बिल हैज एन एक्स्ट्रा पोर्शन लाइक अ हॉर्न, और जो इसके बीक और चोंच है, बीक मीन्स चोंच, बिल मीन्स भी चोंची होता है, ऐसा लगता है कि सींग के जैसे एक्स्ट्रा पोर्शन है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हॉर्नबिल, और इसीलिए इसे हॉर्नबिल कहा जाता है। ओके विद्यार्थी मित्रों, सो वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स इज दैट इट नेस्ट इन होलो ऑफ टॉल ट्री, और एक और खास बात है, इंटरेस्टिंग बात है इस पक्षी के बारे में कि इनका जो नेस्ट होता है, जो घोंसला होता है होलो ऑफ ट्रीज, जो पेड़ के होलोज खोखले, जहाँ बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं ऊंचे वाले पेड़ों में उनके खोखले में होता है, होलोज में होता है। द फीमेल एंटर द नेस्ट होलो एंड द सील्स इट बाय द यूजिंग मड प्लेट्स सप्लाइड बाय द फीमेल। द फीमेल एंटर, जब फीमेल उसके अंदर उस खोखले जो छिद्र होता है झाड़ में पेड़ में उसके अंदर जाती है, उसके बाद वो जो घोंसला होलो नेस्ट है जो वो ऊपर से सील कर बंद कर दिया जाता है यूजिंग मड प्लेट्स, मतलब जो मड प्लेट्स मीन्स होता है मिट्टी की गोलियां, मेल के द्वारा मिट्टी की गोलियां के माध्यम से छोटे छोटे करके उसको ऊपर से ढक दिया जाता है। द मेल टेक केयर ऑफ द फीमेल एंड इट्स न्यू बोर्न चिक्स, और जो मेल होता है वो फीमेल का मतलब मादा पक्षी का और उसके न्यू बोर्न जो नया बच्चा होता है जन्म उसका भी बहुत ख्याल रखता है। इट सप्लाइज फूड टू द मदर एंड चिक्स, और वो मदर और चिक्स न्यूबॉर्न बेबी जो होता है दोनों के लिए फूड लाता है मेलों के। विद्यार्थी मित्रों, शुभांगी से व्हाट ए केयरिंग डूडे, कितना केयरिंग देखभाल करने वाला जीव है। देवांगी से सच ए डिफिकल्ट टास्क टू फीड होल फैमिली, कितना कठिन टास्क है पूरी फैमिली को भोजन कराना, यू कैन सी दिस इज कॉल्ड होल। ओके, फॉर द होल डे, पूरे दिन इट हैज टू कलेक्ट फूड, इसको पूरा दिन लगता होगा खाना एकत्र, जो भोजन एकत्र करना है पूरी फैमिली के लिए उसमें पूरा दिन चला जाता होगा उसके लिए। फॉर इट्स केयरिंग बिहेवियर फॉर फीमेल इट इज कॉल्ड वाहू घेलो इन सम एरियाज ऑफ आवर स्टेट, इसके केयरिंग देखभाल करने वाले बिहेवियर के कारण फीमेल के लिए जो ये देखभाल करता है इसीलिए इसे वेहू घेलो कुछ अपने राज्य के कुछ स्टेट में कुछ एरिया में कहा जाता है। ओके, मीनिंग वेहू घेलो मीन्स क्या होता है, मीनिंग वन हु टेक्स एक्स्ट्रा केयर ऑफ हिज वाइफ, ऐसा व्यक्ति जो अपनी पत्नी का वाइफ का ज़्यादा देखभाल करता है उसे वेहू घेलो कहा जाता है, लाइक दिस बर्ड। ओके, शुभांगी सेज वाओ दैट इज ग्रेट, माई टीचर ऑल्सो सेज दैट वी शुड बी हेल्पफुल टू अदर, मेरे टीचर भी कहती है कि हमें दूसरे प्राणियों की लोगों की मदद करनी चाहिए। मैं आई आस्क वन मोर क्वेश्चन, क्या मैं और क्वेश्चन पूछ सकती हूँ।
देवांगी सेज यस डियर हाँ हाँ श्योर डियर जरूर शुभांगी सेज व्हेन आई विजिटेड माई फ्रेंड्स नाजमिन्स होम इन द पोलो फॉरेस्ट जब मैं मेरे फ्रेंड नाजमिन के घर पोलो फॉरेस्ट से होते हुए जाती हूँ गई थी आई सॉ मैनी नेस्ट ऑफ बीवर बर्ड्स ऑन बबुल ट्री तब मैंने वहाँ पे अनेक प्रकार के बीवर्स बर्ड्स बुनकर पक्षी जो होते हैं उनको बबुल ट्री पर देखा हुआ था कब जब वो अपनी फ्रेंड नाजमिन के घर पोलो फॉरेस्ट में से होते हुए गई थी तब वहाँ पे इसने बीवर बर्ड्स को बबुल ट्री पर देखा था उसके घोंसले को सो ब्यूटीफुल कितने सुंदर थे हाउ डू दे बिल्ड देयर नेस्ट वो किस तरह से अपने घोंसले को बनाते होंगे देवांगी से लुक एट दिस पिक्चर इन द बुक देखो इस पिक्चर को इस बुक में देखो यू कैन सी दिस पिक्चर ओके इट इज अ बीवर बर्ड दिस इज अ बीवर यह है या बीवर पक्षी है यू कैन सी इन दिस पिक्चर ओके द बर्ड इज नोन एज सुगरी इन गुजराती और इस पक्षी को गुजराती में सुगरी के नाम से जाना जाता है मीनिंग वन हु बिल्ड्स ब्यूटीफुल हाउस सुगरी मीन्स होता है ऐसा पक्षी जो आज खूब सुंदर घर बनाता हो उसे क्या कहते हैं सुगरी कहते हैं एलमाइटी मीन्स भगवान ईश्वर हैज गिफ्टेड अस डिफरेंट स्किल भगवान ने हमें अलग अलग प्रकार की कौशल को भेंट में दिया है एंड द बीवर बर्ड्स इज गिफ्टेड विथ द स्किल्स ऑफ वीविंग इट्स नेस्ट और जो बीवर बर्ड्स है उनको गिफ्ट के रूप में जो उनको भेंट दी है कौन सी कला का कौशल दिया है कौन सी स्किल दी है वीविंग इट्स सिलने की इट्स नेस्ट उनका घोंसला बनाने का कौशल उनको गिफ्ट के रूप में भगवान ने दिया जैसे हम लोगों को अलग अलग प्रकार की स्किल्स भगवान ने भेंट के रूप में दी है उसी तरह से बीवर पक्षी को घोंसला बनाने की स्किल भेंट में दिया है बीवर बर्ड्स प्रीफर लॉन्ग थ्रेड लाइक ग्रास लीव्स टू बिल्ड देयर नेस्ट जो बीवर बर्ड्स होती हैं यू कैन सी इन दिस पिक्चर बीवर बर्ड्स क्या करती है प्रीफर करती है लॉन्ग थ्रेड लंबे धागे जैसे ग्रास के लीव्स टू बिल्ड उनका घोंसला बनाने के लिए लॉन्ग लंबे धागे की तरह हरे पत्ते का यूज ग्रास लीव्स घास के पत्ते का यूज करती है पसंद करती है उसके अपने घर का अपने सॉरी अपना घोंसला बनाने के लिए ओके शुभांगी से दीदी हु बिल्ड्स अ नेस्ट द मेल बर्ड्स और द फीमेल बर्ड्स शुभांगी बोलती है दीदी कौन घोंसला बनाता है द मेल बर्ड्स बनाती है या फिर भी फीमेल बर्ड्स मेल या फीमेल कौन बनाता है तो देवांगी सेज मेल वीवर बर्ड्स बिल्ड नेस्ट मेल वीवर बर्ड्स जो होती है मेल बुनकर पक्षी जो नर वीवर बर्ड्स है वो घोंसला बनाता है इट टेक्स नियरली 18 डेज टू कम्प्लीट नेस्ट बिल्डिंग नेस्ट को बनाने में 18 दिन लग जाता है उसको पूरा कम्प्लीट होने में ठीक है When the nest is half complete, जब नेस्ट आधा कम्प्लीट होता है आधा हुआ रहता है आधा बना होता है द मेल इन्वाइट्स फीमेल फॉर पेयरिंग तो मेल जो है फीमेल को आमंत्रित करती है साथ देने के लिए पेयरिंग में साथ देने के लिए बाई इट्स सॉन्ग अपने सॉन्ग के माध्यम से गीत गा करके फीमेल को साथ देने के लिए साथ में घोंसला बनाने के लिए इन्वाइट करता है इफ सी एक्सेप्ट द नेस्ट यदि वो साथ देने के लिए स्वीकार करती है बोथ ऑफ देम फिनिश द नेस्ट दोनों मिल करके नेस्ट घोंसले को पूरा फिनिश करते हैं इफ सी डजंट द नेस्ट इज अबैंडन्ड अगर वो पसंद नहीं करती है स्वीकार नहीं करती है तो उसको साथ देने के लिए वो एक्सेप्ट नहीं करती है तो नेस्ट को अबैंडन्ड मीन्स होता है ताज छोड़ दिया जाता है ताज दिया कहीं कहीं पर आपने अधूरा इस तरह के बर्ड्स के घोंसले देखे होंगे तो उसको वहीं पर त्याग दिया जाता है वो जो पक्षी होता है बीवर पक्षी उसे वहीं पर छोड़ देता है अधूरे पर ही ओके शुभांगी से देन इट मस्ट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द मेल टू बिल्ड मोर देन वन नेस्ट तब तो ये बहुत ही कठिन है मेल के लिए नर पक्षी के लिए इसको एक नेस्ट एक घोंसला बनाने के लिए बहुत ही कठिन है देवांगी से यस एब्सोल्युटली राइट मेल ऑफन मेक्स मेनी नेस्ट ड्यूरिंग नेस्टिंग सीजन मेल जो होता है नेस्टिंग सीजन मतलब घोंसला बनाने की सीजन में वो कई सारे घोंसले बनाता है शुभांगी सेज पुअर बॉय बेचारा बॉय आई रिमेम्बर दीदी आई सॉ सम इनकम्प्लीट नेस्ट ऑल्सो मुझे याद है कि मैंने कुछ अधूरे इनकम्प्लीट नेस्ट को घोंसले को देखा है सो विद्यार्थी मित्रों यहीं पर आज का पार्ट वन स्टॉप करते हैं आई होप आपको समझ में आया होगा सो दिस इज एक्टिविटी फॉर यू स्टेट वेदर दीज एक्सप्रेशंस आर ऑफ
हैप्पीनेस, वंडर, सैडनेस, क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट, राइट अप्रोप्रिएट वर्ड। आपको ये एक्टिविटी करनी है और आगे की जो स्टोरी है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, चर्चा करेंगे। ओके विद्यार्थी मित्रों, व्हाट इज यस, सो थैंक यू, बाय बाय।